जी आपके क्या लगते हैं? मैंने आपसे कुछ पूछा है सौम्या जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अदित जी आपके क्या लगते हैं? मंगल तुम इतने गुस्से में क्यों हो और तुम ये क्या बोल रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी सब समझ में आ जाएगा, आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। पहले तो ये बताइए कि आपने मेरी साड़ी क्यों पहनी है? मंगल लक्ष्मी सीरियल में अब तक हमने देखा था कि भाई जब से सौम्या घर में आई है अदित और मंगल के, तब से वो बार बार हमारे मंगल के खिलाफ साजिशें रचती हुई दिखाई दे रही है और धीरे धीरे कर यहाँ पर वो मंगल के घर में सब मंगल को सबसे दूर करने की कोशिश कर रही है और सभी के दिलों में अपनी जगह, इस घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती आई है और दिखाई दे रही है। और इसी के साथ अब तक हमने देखा था कि किस तरह से वो बार बार चालें चल रही थी। सौम्या ने तो हद ही कर दी थी, उसने अक्षत को भी किडनैप करवाने की कोशिश की थी और स्टेज पर सुहाग ने साड़ी पहनती है, लेकिन आपने मेरी साड़ी खुशी खुशी पहन ली और मुझसे पूछा तक नहीं। मंगल एक मिनट, और भी सवाल है, यही नहीं, आज मुझे सारे जवाब चाहिए। तीज का त्योहार हम औरतों का है, लेकिन आपने ऑफिस से छुट्टी क्यों ले ली? सारा का सारा ब्लेम मंगल पर आ जाता है, जिसकी वजह से इस बार गुस्से में आकर भाई अदित ने हमारी मंगल को पागल भी घोषित कर दिया है। जी हाँ, एपिसोड में हमने देखा था कि भाई यहाँ पर अदित अब भी कुसुम के सामने कहता है कि भाई ये तो सच में एक मेंटल इशू ही मुझे लग रहा है। और जी हाँ, एपिसोड में हम देख सकते हैं कि किस तरह से मंगल चीखती चिल्लाती है, बोलती रह जाती है कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन अदित उसे जबरदस्ती पागल घोषित करने में लगा हुआ है। उसे हॉस्पिटल ले जाता है, पागल खाने ले जाने की कोशिश करता है और अदित ने इस बार मंगल को पागल साबित करने की कोशिश की। क्यों आपको इस घर के हर त्योहार शामिल होना होता है? क्यों यहाँ आपका दिल लगता है और कहीं नहीं? कहीं मंगल को सब पता तो नहीं चल गया? मंगल क्या तरीका है, मेहमान है वो। अदित जी मुझे कुछ पता चला है, जिसकी वजह से मैं इनसे सवाल पूछ रही हूँ। जानती हूँ ये मेहमान है, इसलिए मैंने हमेशा इनका सत्कार किया, स्वागत किया। और इसी के साथ एक प्रोमो सामने आ रहा है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई बहुत जल्द इस बार सौम्या की सच्चाई मंगल के सामने, सभी घर वालों के सामने आने वाली है। जी हाँ, इस बार सौम्या ने दोबारा से एक बेहद बड़ी चाल चली है, वो जानबूझकर हमारी मंगल की वही साड़ी पहन लेती है जो मंगल इस त्योहार पर पहनने वाली थी। और भाई ये देखकर इस बार मंगल का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है। इसी के साथ एपिसोड में हम देखेंगे कि भाई मंगल का एकदम रौद्र रूप सामने आता है और इस बार फाइनली मंगल ने अपने लिए स्टैंड लिया है और वो सौम्या से काफी सारे सवाल जवाब करते हुए नजर आएगी। इसी के साथ आपको बता दूं कि भाई यहाँ पर मंगल बेहद गुस्सा है सौम्या से और यहाँ पर मंगल ने सीधा सीधा सवाल कर लिया है सौम्या से कि आखिरकार उसने उसकी साड़ी क्यों पहनी, जो कि हमारे मंगल के लिए बेहद खास थी। और यहाँ पर मंगल इतनी गुस्सा इस वजह से क्योंकि सौम्या ने उससे बिना इजाजत ली, उससे बिना पूछे ये साड़ी पहन ली। और इसी के साथ आपको बता दूं कि भाई इस बार मंगल के सामने ये भी सच्चाई आ गई है कि सौम्या को उसके घर से निकाला नहीं गया था, बल्कि उसने खुद ही घर छोड़ा था। और ये सच्चाई जानने के बाद इस बार मंगल और भी ज्यादा गुस्सा हो गई है और मंगल बार बार सौम्या से सवाल जवाब करते हुए नजर आ रही है। तो आने वाले एपिसोड में ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार कैसे आदित्य सौम्या को इस सिचुएशन से बाहर निकालता है।